निर्धारित संख्या से अधिक कैदियों की संख्या है, इसमें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश में नए जेलों के निर्माण की कवायद भी की जा रही है। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जेल मैनुअल में संशोधन के लिए अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव किया जाएगा। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल लागू है, जो 1960 का है। केंद्र सरकार ने 2016 में सभी राज्यों को जेल मैनुअल का एक ड्राफ्ट भेजा था। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस ड्राफ्ट पर कार्य करने के बाद कुछ जरूरी संशोधनों के साथ कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाकर उसे पूरा किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड में जो यूपी का जेल मैनुअल था वही अडॉप्ट किया गया था, और वो 1960s का मैनुअल है, वही चल रहा था। अभी फिलहाल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिजन मैनुअल सभी स्टेट्स को सर्कुलेट किया था। हमारी स्टेट भी उसी पर कार्य कर रही है। कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ हम लोग नया ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही तैयार होगा और होपफुली हम उसको अगली कैबिनेट की बैठक में पुट अप कर सकते हैं।